1720 में आज ही के दिन मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध पेशवा बालाजी बाजीराव का जन्म हुआ। 1825 में आज ही के दिन भाप से चलने वाला पहला जहाज इंटरप्राइज कोलकाता पहुंचा। 1875 में आज ही के दिन महान उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू का जन्म हुआ। 1879 में आज ही के दिन महान क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ मुखर्जी का जन्म हुआ। 1941 में आज ही के दिन अमेरिका और ब्रिटेन ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1967 में आज ही के दिन पहली पनडुब्बी INS कालवेरी को नौसेना में शामिल किया गया। 1976 में आज ही के दिन अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। 1980 में आज ही के दिन संगीत बैंड बीटल्स के सदस्य जॉन लेनन को न्यूयॉर्क स्थित उनके अपार्टमेंट के बाहर एक अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मार दी थी। 1983 में आज ही के दिन ब्रिटिश संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सदन की सीधी कार्यवाही टेलीविजन पर दिखाने के पक्ष में मतदान किया। 1998 में आज ही के दिन वेनेजुएला के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल ह्यूगो शावेज राष्ट्रपति बने। साल 2000 में आज ही के दिन ब्रिटेन और रूस के बीच रक्षा समझौता संपन्न। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का नया उपचार गोलनेट माइन खोजा। 2002 में आज ही के दिन भारत की पारंपरिक जैव संपदा नीम, हल्दी और जामुन के बाद गौमूत्र को अमेरिका ने पेटेंट किया। 2004 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने 700 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता वाली शाहीन 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 2005 में आज ही के दिन रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने सफेद पृष्ठभूमि में हीरे के आकार के एक लाल क्रिस्टल को नए अतिरिक्त चिन्ह के रूप में स्वीकार किया।